अगर आपको सस्ती सिम चाहिए, कम रेट में ज्यादा डाटा या कुछ ज्यादा बैलेंस चाहिए, तो आपको कहाँ आना है वो हम आपको बताते हैं वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भाई सऊदी में एक हिडन मार्केट। तो यहाँ पर आपको इंडियन वेराइटी के सारे आइटम मिल जाएंगे और काफी कम रेट। ये देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है कार्ड, सिगरेट, तंबाकू, थोक एवं खुदरा बिक्री पर। यहाँ पर खास चीज क्या है खाने के लिए, ज्यादातर क्या पसंद करते हैं? तो भाई ये देख रहा भाई कितने की कुल्फी है अपने पास। भाई इतनी बड़ी कुल्फी तो आज मैं पहली बार खा रही। ये जलेबी बड़ी शानदार लग रही है भाई, पतली 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 घूमी। इंडिया में तो बहुत मोटी वाली होती है जलेबी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, के हिसाब से मुझे उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज के नजारे कुछ ऐसे हैं। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं मक्का के लोकल मार्केट में। आ जाइए। तो आप लोग बस ब्लॉग में बनी रहिए, हम लोग चलते हैं आप लोगों को मक्के की गलियों घुमाने के लिए। क्या कर रहा हो भाई? टैक्सी आ गई है क्या जी? अपनी टैक्सी आ चुकी है बर्रा ट्रेवल्स की, और यहाँ पर अपनी टैक्सी आ चुकी है। सब खैरियत से? ये जो लोकेशन है ना, ये मुफ्ती साहब की काफ़ी प्यारी लगती है यहाँ की। हमें लेना है एक सिम जो कि कम रेट पे, क्या बजट होगा वो तो वहीं जाकर पता चलेगा, और उसके बाद हम जाने वाले हैं किसी और दूसरे लोकेशन पे। आपका नाम क्या है? राजा। आप कहाँ से हैं? राजस्थान। तो अभी हम मक्का में जितनी भी जगह पर विजिट करने वाले हैं तो राजा भाई के साथ जाने वाले हैं, और यही हमको गली गली घुमाने वाले हैं मक्के की। और आप यहाँ पर देखिए भाई, सूरज अभी ढलने वाला है, शाम का टाइम हो रहा है, और क्या नज़ारे हैं भाई माशाल्लाह। यहाँ पर पूरा मक्का जो है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो आपको रास्ते से ट्रेवल करने के लिए सुरंग जो बनाई गई है, देखिए हर जगह पे पहाड़ों के अंदर से निकल रहे हैं हम लोग। या आप यहाँ पर देख रहे हैं कब्रिस्तान जन्नतुल माला। मुफ्ती साहब इसकी खासियत क्या है? जन्नतुल माला ये मक्कतुल मुकर्रमा का सबसे पुराना कब्रिस्तान है। अच्छा, मक्का का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, और यहाँ कई सहाबा सहाबियात मदफून है। अच्छा, खास तौर पर अम्मा खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, और यही आराम फरमा रही है। भाई बाबा वजीर सेंटर, और अभी यहाँ पे हो रही है भीड़, तो इसलिए हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। आगे कहां से लेंगे? तो भाई अभी हम आ गए एक शॉप पर। यहां लाने का आप लोगों को मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग जब भी उम्रे पर आए, अगर आपको सस्ती सिम चाहिए, कम रेट में ज्यादा डाटा या कुछ ज्यादा बैलेंस चाहिए, तो आपको कहां आना है वो हम आपको बताते हैं वीडियो में। राजा भाई इसकी लोकेशन क्या है, अगर किसी को आना है तो कहाँ से ले सकता है? मॉल से कम 400 मीटर आगे। बाबा जीर मॉल से 400 मीटर आगे। यार ये तो पूरा अरबी में लिखा हुआ, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा इसका। तो यहाँ पे सभी दुकानों पे सेम रेट है क्या? सेम रेट है। अच्छा, तो बाबा जीर मॉल के थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पर जहाँ भी आपको मोबाइल की शॉप मिलेंगी। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर जितनी भी शॉप आपको दिख रही है वो सारे की सारी आपको कम रेट में सिम मिल जाएगी। और भाई बता रहे हैं कि इस बंदे के पास इसलिए आए कि इसको थोड़ी बहुत हिंदी आती है। ये देखिए यहाँ की भाई मोबाइल की शॉप है। सबसे सस्ता कितना है? सस्ता 60 GB, 50 रियाल में 60 GB, 600 मिनट कॉल। यार ये सही था यार, अपने डबल ज्यादा रेट दी थी। 40 रियाल में आपको 10+20 GB। अभी हमने ये वाला लिया था पेक वहाँ पे मक्के के पास में 35 रियाल में, जो कि हमें सिर्फ मिला 4 GB, लेकिन यहाँ पर मिलना 6+6 12 GB, और वहाँ पे हमें मिनट मिले थे खाली 50, और यहाँ मिलना 400। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पर दो सिम ले ली हैं यहाँ पर ऑलरेडी। तो और एक चीज आप लोग यहाँ पर बताना, मुझे एक सिम और खरीदना थी लेकिन यहाँ पर इशू नहीं हो रही है, और यहाँ पर ये चेक करके बता रहे हैं कि दो सिम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, जबकि मैंने एक ली थी एयरपोर्ट पे। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, एयरपोर्ट पे जो लोग आप लोगों को सिम बेच रहे होते हैं वो आपको एक सिम देने के साथ साथ दो इशू कर देते हैं, और दो आप दूसरी आपको नहीं देते हैं। अगर आप मार्केट में जाकर खरीदोगे तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके ऑलरेडी दो सिम इशू हो जाती हैं, और वही इशू मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है। तो मुझे तो नहीं मिल पा रही, इसलिए अमीन के नाम से एक्स्ट्रा लेना पड़ रही है सिम। अब तुम्हारा सारा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। सही है। हाँ चलिए दोस्तों, हम लोगों ने सिम तो ले ली है। भाई बैठे
कोई काम की नहीं है। हाँ सही लीजिए जी राजा भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे जो अपन को सिम देते हैं फ्री में वो अपन को नहीं लेना चाहिए, उससे आपको कुछ फायदा तो होने नहीं वाला। आपका फिंगर हो जाता है वो कर लेते, फिर इधर आपको परेशानी होती है नई सिम लेने में। आप वहाँ पे खाली रहती है भाई, वहाँ पे फ्री में दे दिया आपको, लेकिन बैलेंस कराने जाएंगे तो आपको डबल महंगा पड़ेगा। इसलिए आप एक दिन रुक जाइए, आराम से उमरा करिए और फिर फ्री होके आइए बावजीर मॉल के पास, है ना, आसपास जाएंगे वहाँ पे आपको सस्ती और कम रेट में आधी कीमत में आपको सिम मिल जाएगी, अच्छा बैलेंस मिल जाता है। दूसरा पॉइंट ये था कि आप यहाँ पर आकर व्हाट्सएप कॉल करते हो किसी को तो नहीं लगता है, उसके लिए तरीका ये कि आप वीपीएन डाउनलोड करके कर सकते हो। यहाँ पर गैर जिम्मेदारी गैर कानूनी है, इससे बचने के लिए आपको आईएमओ डाउनलोड करना चाहिए। आईएमओ वही से इंडिया में आईडी बना ले उसी नंबर। हाँ वैसे आप कोई भी सिम लेकर आएंगे तो इंटरनेशनल रिचार्ज कराना पड़ता है उसके लिए आपको। सऊदी में टैक्सी चलाऊंगा भाई, मैंने सोच लिया। तो 2500 रियाल में टैक्सी मिल रही है किराए पे के लिए, मिलती है पूरे महीने के लिए। फिर तुम्हारा पेज कौन चलाएगा भोपाल अपडेट? अपन रेंट पे दे देंगे, पेज को भी रेंट पे दे दोगे। अभी अपन किस रोड पे चल रहे हैं? अभी है जन्नतुल माला वाली रोड पे ही जा रहे हैं अभी हम लोग। ये वो मस्जिद है जिन, यानी कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों के लिए दावत दी थी इस मस्जिद में, इसलिए उसका नाम मस्जिद जिन हो गया। Few minutes later. तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भाई सऊदी में एक हिडन मार्केट जिसका नाम है इस्कान मार्केट, जो कि इस मक्का से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर। यहाँ पर आपको इंडियन वैरायटी के सारे आइटम मिल जाएंगे और काफ़ी कम रेट पर। आइए तो घुमाते हैं यहाँ के नज़ारे। ये देखिए आप, इस तरफ भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, इधर भी दुकानें हैं, इस रोड पे आप देखेंगे यहाँ पर भी काफ़ी सारी लाइन से दुकानें, इधर भी ढेर सारी दुकानें हैं। तो ये देखिए यहाँ से वही मार्केट शुरू हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है कार्ड सिगरेट तंबाकू थोक एवं खुदरा बिक्री पर कर रहे हैं, पूरा इंडियन मार्केट। तो भाई यहाँ पर पूरा इंडियन मार्केट आपको मिल जाता है। दोस्तों इस मार्केट की खासियत ये है कि हरम से 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते रेट पर हर चीज़ मिल जाएगी, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ होगी। खास करके भाई देखो तंबाकू खाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके लिए एक बेस्ट जगह हो सकती है। देखिए मैं इस चीज़ को प्रमोट तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन भाई किसी को लत होती है, मजबूर होते हैं खाने के लिए, तो भाई हरम शरीफ के पास बहुत ही महंगा मिलता है वहाँ पर तंबाकू। तो बस इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए, मार्केट का नाम है इस्कान मार्केट। और यहाँ पर आप देखो सभी तरह की चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी, कपड़े हुए, बैग हुए, मोबाइल हुए, रिचार्ज हुए, सभी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। चलिए कुछ दुकानों पे ख़ास देखते हैं अपन यहाँ पे। ये देखिए दिल्ली सैलून इंडिया, दिल्ली सैलून इंडिया, यानी कि हिंदी में भी लिखा है भाई। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया के लोग आए या कहीं के भी आए तो हिंदी में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। सब्ज़ी मार्केट होगा यहाँ पे, हर चीज़ें कपड़े हैं यहाँ पे, मोबाइल की शॉप्स हैं, रिचार्ज आपको यहाँ पर मिल जाता है। मोहम्मद फहीम, ये देखो पाकिस्तानी नाई की दुकानें यहाँ पे, ये बुरखों की दुकानें हैं, या घड़ियों की दुकानें, मोबाइल एसेसरीज, सेकेंड हैंड फ़ोन, सेकेंड हैंड पे एक रेस्टोरेंट भी है भाई, देखते हैं यहाँ पे क्या है ख़ास ख़ास। दोस्तों यहाँ पर है ना मिठाई से लेकर सारे नमकीन आइटम भी यहाँ पे रखे हुए, तो चलिए देखते हैं भाई ख़ास ख़ास क्या है हमारे सऊदी का। तो भाई ये क्या चीज है भाई, ये गोलगप्पा है, ये गोलगप्पा है जी, गोलगप्पा। अच्छा तो गोलगप्पे में क्या क्या डाल के खाते हैं? आलू डालते हैं, चना डालते हैं, हर चीज। अच्छा ये आलू चना ये सब मिक्स करके इसको पका के और ऊपर से दही में डाल, दही पे डाल के पे। भाई क्या प्राइस पे देते हैं अपन ये? ₹6.10 पाकिस्तान। पाकिस्तान से? पाकिस्तान में कहाँ से? इस्लामाबाद। यहाँ पर खास चीज क्या है खाने के लिए, ज्यादातर क्या पसंद करते हैं? सबसे बड़े उस्ताद हमारे ये हैं सफदर। अच्छा अच्छा, इंडिया वाले बंगाली वाले ये खाते हैं, तो ये गोलगप्पा ज्यादा पसंद करते हैं इंडिया वाले। ये तो वो पपड़ी हो गई ना, पपड़ी मुश्किल नहीं है, चलिए टेस्ट करते हैं। ये क्या चीज है? शक्कर पारे। ये किस चीज के बने होते हैं? ये यहाँ पर मंगोड़े भी यहाँ पे भजी है। अरे ये जलेबी बड़ी शानदार लग रही है भाई, पतली 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 घूमी हुई है। हमारे इंडिया में तो बहुत मोटी वाली होती है जलेबी, तो ये उस्ताद इन्होंने बनाई है, इसे कर ले तो इतनी पतली 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 20 रियाल की 1 किलो जलेबी। तो ये दूध की बनी है बर्फी, और देखो ये तो रसगुल्ला है मेरे ख्याल से ना, ये रसगुल्ला, ये रसगुल्ला। अच्छा ये ब्लैक वाला रसगुल्ला हुआ है, ये गुलाब जामुन, ये भी रसगुल्ला, क्रीम डाल के रसगुल्ला है। यहाँ पे 10 साल से है यहाँ पे शॉप। भाई यहाँ पर हमने सुना है यहाँ की कुल्फी एक जो है खास है यहाँ पर,
काफी अच्छी कुल्फी, तो जल्दी चलकर देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है खास। यहाँ पे कुल्फी देख रहा भाई, कुल्फी का साइज देख रहा माशाल्लाह कितना बड़ा है। तो भाई ये देख रहा भाई, कितने की कुल्फी है अपने पास? 3 रियाल की। ओके, 3 रियाल की एक कुल्फी है भाई। क्या किस किस चीज से बनती है यहाँ पे? आलू मलाई का दूध, अलमराई का दूध है, ठीक है, इंटरनेशनल कंपनी का दूध है। इसके अंदर काजू होते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, ये सब ब्रांड का। अच्छा अच्छा, वो बन रही है पीछे ना? भाई इतनी बड़ी कुल्फी तो आज मैं पहली बार खा रहा हूँ, जो कि टेस्ट भाई काफी अच्छा लग रहा है। भाई यहाँ पर आपको एक चीज बताते हैं, अभी यहाँ पे आप ये जैसे दूर से देखो कितना छोटा दिख रहा है, अभी देखो क्लॉक टावर छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, अभी थोड़ा सा अगर कट है, कट में देखना विशाल बड़ा दिखेगा, आगे से थोड़ा सा मोड़ है, वहाँ से मोड़ेंगे ना तो बता रहे हैं दिखेगा बड़ा, फिर आप आगे जाओगे तो फिर छोटा, तो बता रहा वहाँ मोड़ पे आपको बड़ा दिखाई देगा, ऐसे कुछ है क्या है ग्रेविटी। अभी कितना अब देखिए आप यहाँ पे साइज बड़ा हुआ है उसका, इसका देखो अब पास में देखें मुफ्ती साहब, इसका साइज देखो कितना बड़ा लग रहा है, क्लॉक टावर देखो कितना बड़ा विशाल दिख रहा है। अब इतना अगर आप आगे जाएंगे नहीं दिखेगा। अच्छा,